be little attentive, because I'm going to discuss not only the tips, but I'll tell you how to solve MCQ. MCQ has been a bit आती है बिकॉज एक क्वेश्चन है एंड देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस. उन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर्स ढूंढने हैं. फर्स्ट आई विल बी गिविंग यू द टिप, देन आई विल बी शेयरिंग अ पैसेज विद यू, आफ्टर दैट आई विल बी टेलिंग यू हाउ द आंसर्स आर लोकेटेड, कि इसका तरीका क्या है, इसको ढूंढना कैसे है. एक चीज मुझे याद रखना कि आंसर हमेशा पैसेज में ही होता है. डोंट गेट स्केर्ड कि हमें तो आंसर ही नहीं मिला. आंसर ढूंढने के दो तरीके हैं, देर आर टू वेज टू फाइंड आंसर्स एंड बोथ द वेज आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बिलीव मी, दोनों गलत नहीं है. सम स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू रीड द पैसेज फर्स्ट. उसमें भी कुछ नुकसान नहीं है कि हमें पता चल जाता है कि व्हाट द पैसेज इज अबाउट. सेकेंड, स्टूडेंट्स ऑलवेज गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट, दे रीड द क्वेश्चन एंड देन दे कम बैक टू द पैसेज. दोनों तरीके ठीक हैं और विद बोथ द टेक्निक्स यू कैन फाइंड द आंसर्स. It all depends upon your convenience, your understanding and your practice. Now I'll be discussing tips related to MCQ. See, I have been sharing this with you. First, there has to be, you know, you have to keep it into mind that you are not going to be confused or you're not going to panic under any condition. MCQs, question padho, simple language mein, ye main aapke sath share kar rahi hoon. इसको आप एक बार ही देख सकते हो, बट मैं इसको ट्रांसलेट करके आपके लिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ. आपने क्वेश्चन पढ़ा एमसीक्यू का, ए बी सी डी, तीन ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, छह ऑप्शंस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन के कीवर्ड को देखो कौन से है. आफ्टर हैविंग अ लुक एट द क्वेश्चंस कीवर्ड, देन जस्ट ट्राई टू रीड द ऑप्शंस. एक बार ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो कि क्या ऑप्शन, कोई ऑप्शन हमारे क्वेश्चन से रेलेवेंट है. उसमें से दो ऑप्शन जरूर रेलेवेंट होंगे और वो दो ऑप्शन जो रेलेवेंट है उसको माइंड में रख के पैसेज पे आ जाओ. नाउ आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू गो थ्रू द पैसेज. नाउ दिस इज अ पैसेज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. इंस्ट्रक्शंस, एज पर इंस्ट्रक्शंस, 20 मिनट्स आर गिवन टू यू टू कंप्लीट 13 क्वेश्चंस, 1 to 13. Now 90% of the students, what they do is they miss the heading. आप लोग heading छोड़ देते हो, सीधा फटाफट questions पे आते हो और जब questions पे आते हो तो आप pages ऐसे ऐसे करते हो, टिक टिक की आवाज़ आती रहती है pages की, जिसकी बहुत disturbance है. I would like to tell you कि पहले हमेशा heading देखो किसके बारे में reading आने वाली है. Now the heading of the reading is indoor pollution. हमें पता चल गया कि दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो माइंड सेट हो गया. पता चल गया कि रीडिंग इज नॉट अबाउट स्पोर्ट्स, इट इज़ नॉट अबाउट आर्किटेक्ट, इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, इट इज़ नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स नॉट अबाउट फैशन, कुछ नहीं है. इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू पोल्यूशन. दिस इज नोन एज बिफोर, दिस इज नोन एज प्री हैंड प्रेडिक्शंस, कि हम क्वेश्चन से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये इसके बारे में बात होने वाली है. उसके साथ होता कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड जो है प्रिपेयर हो जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है. बिकॉज रीडिंग इज ऑल अ गेम ऑफ अ डायरेक्शन, हाउ डू यू मूव. नाउ दीज आर द क्वेश्चन, सी लुक एट द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट MCQs हैं. कहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, कहते हैं इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर आर्ग्यूज दैट पोल्यूशन. अब पोल्यूशन के आगे उसने चार ऑप्शन दे दिए आपको, इंक्रीज इन सिटीज, वर्स्ट इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, रिजल्ट इन पुअर नेशंस एंड कॉस्ट बाय सेल्फ इंटरेस्ट. अब क्वेश्चन क्या है, राइटर आर्ग्यूज, आर्ग्यू मीन्स वो किस पे बहस कर रहा है. तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारी बनती नहीं है, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है. तो व्हाट इज राइटर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज राइटर आर्ग्यूइंग अबाउट, कि व्हाट इज द रीजन, कॉज कर रहा है ना, व्हाट इज द कॉज. सी दिस इज द कॉज, फर्स्ट लाइन में कॉज है कि राइटर, राइटर की जब भी ओपिनियन होगी, आर्ग्यूमेंट होगी,
उसका फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ में ही उसकी आर्ग्यूमेंट और ओपिनियन मिल जाएगा आपको. क्या आर्ग्यू कर रहा है कि वाई इज इट कॉज्ड, इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द सेल्फिश पॉलिसीज. आई हैव अंडरलाइन दिस वर्ड फॉर यू कि सेल्फिश पॉलिसीज हैं जिस वजह से ये आर्ग्यूमेंट हो रही है और राइटर इज व्हाट इट इज बिलीविंग द रीजंस फॉर पॉल्यूशन. दिस इज एन आंसर रेड जो है वो आंसर है. ये टू लाइंस जो मैंने आंसर की हैं, टू लाइंस जो मैंने बोल्ड की हैं, दिस इज फॉर योर सपोर्ट. रीडिंग में एक टिप याद रखना, ऑलवेज मूव थ्री लाइंस अबव एंड थ्री लाइंस बिलो. नेवर गो फॉरवर्ड, बहुत आगे मत चलना. द मोर यू ट्राई टू रीड एंड द मोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, द लेवल ऑफ कंफ्यूजन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई. बिकॉज इट इज नथिंग, इट्स अ गेम ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस. कि उसने एक लाइन में अपनी बात करनी है, दूसरी लाइन में उसने काट देनी है, तो हम क्या करेंगे? वी विल बी अटरली कंफ्यूज्ड. अब उसने आर्ग्यूमेंट की बात की, राइटर की बात की, तो राइटर की बात और राइटर की आर्ग्यूमेंट कहाँ है? फर्स्ट पैराग्राफ में देखो आपको कितनी ईजीली मिल गई. दैट डिवेलपिंग नेशंस और शॉर्ट साइटेड सेल्फिश पॉलिसीज ऑफ ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज विच encourage majority of the world's population to squander the majority of its natural resources. कि कहाँ से ये हो रही है start? It is coming up with the selfish interest and the selfish policies of the people. I hope it's clear. Now let's switch over to the second question. Now just have a look at the second question. See, second question की वो बात क्या कर रहा है. अब वो कहते हैं सिडनी, सिडनी उसने एक प्रॉपर नाउन लिया, तो हम पैसेज में सिडनी की लोकेशन ढूंढेंगे कि ये कहाँ पे है. सिडनी हार्बर ऑयल स्पिल वॉज अ रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट का मीन कि उसका रीजन पूछा है उसने, कारण पूछा है. व्हेन द रीजन इज देयर तो फर्स्ट वील हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. शिप रिफ्यूलिंग कैन बी द रिजल्ट, कोलिजन बिटवीन टू ऑयल टैंकर्स दैट कैन बी वन ऑफ द रिजल्ट, और कौन सा रिजल्ट हो सकता है? सी डी वाला, सॉरी, डिलिबरेट एक्ट ऑफ सेबोटेज. ये हमें लगता है ऐसी कोई बात होनी नहीं है. सो क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें कौन सी लग रही है? क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें लगती है बी और सी में. अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कहाँ मिलेगा हमें, वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड दिस. सी ओके, now this is an answer you are going to find. Just have a look over this ye raha. Recently spillage, spillage is the keyword. Spill hota hai failna, of crude oil from oil tanker accidentally discharging its cargo straight. To hame ye word answer de gaya uska, because kiski baat hui? ऑयल स्पिलेज की. एंड वी फाउंड द आंसर ओवर हियर. आई होप इट्स क्लियर. दिस इज आओ देखो आगे सिडनी हार्बर की भी उसने बात कर दी. व्हेन एवर यू विल रीड थ्री थ्री लाइंस अबव एंड बिलो, इट इज क्वाइट क्वाइट श्योर एंड पॉसिबल दैट योर आंसर विल गो नोवेयर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हैव अ लुक एट थर्ड क्वेश्चन. राइटर सजेस्ट, अब वो हमारे साथ क्या कर रहा है? आर्ग्यू नहीं कर रहा, सजेस्ट कर रहा है. फर्क है दोनों चीजों में. आर्ग्यू होता है डिबेट करना, हो सकता है उसका सिनोनिम वो डिबेट लगा देता, और सजेस्ट का मतलब है वो हमें किसी चीज की सलाह दे रहा है. पीपल शुड अवॉइड वर्किंग इन द सिटीज, अमेरिकन स्पेंड टू लिटिल टाइम आउटडोर्स, देन डेंजरस गैसेस कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडस्ट्रियल सबर्ब्स. There are several ways to avoid city pollution. अब पता नहीं इसमें उसने क्या सजेस्ट किया हमें. सजेस्ट जब हमने पैराग्राफ को ओवरव्यू किया तो हमें पता चला कि इस पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहा है. इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट पोल्यूशन. मैंने पहले पैराग्राफ को ओवरव्यू किया था, लेकिन चलो बच्चे पैराग्राफ ओवरव्यू नहीं करते. ओवरव्यू अगर कर लेते हैं तो उनको ईजी हो जाता है. ओवरव्यू आपने नहीं भी करना तो पैराग्राफ का हेडिंग जरूर पढ़ लेना. अब यहाँ पे वो हमारे साथ क्या करने लगा है, कहते हैं हमें सजेस्ट कर रहा है कि सबसे कंफर्टेबल रीजन कौन सा हो सकता है जिससे कि पोल्यूशन को हम अवॉइड कर सकें.
नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द अपर पैराग्राफ्स, देखो कितनी इजीली आपको समझ में आएगा आंसर नंबर 3. नाउ दिस इज वेयर इट इज, सी आई हैव मार्क फॉर यू. हियर ही इट इज टॉकिंग, ये सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो. सिंस द एवरेज अमेरिकन स्पेंड 18 आवर्स इनडोर्स फॉर एवरी आवर आउटसाइड, इट लुक्स एज दो मेनी एनवायरमेंटलिस्ट मे बी अटैकिंग द रॉन्ग टारगेट. ये वो क्या कर रहे हैं, कहते बड़े सारे लोग हैं जो गलत टारगेट कर रहे हैं, बट अमेरिकन ऐसे करते हैं और ऐसे करना चाहिए. जब ये वर्ड लग जाता है ना चाहिए, लुक्स एज सो, तो इसका मतलब है इट्स अ सजेशन. आई एम गेटिंग अ हिंट फ्रॉम इट लुक्स एज दो सीम्स एज दो. सो दिस इज वेयर द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन लाइज. आई हैव गिवन यू बोथ द हेडिंग्स एंड द टारगेट्स फॉर यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. What is it talking about? The causes research team hypothesized. अब बच्चे कहते हैं कि हमें synonyms नहीं आते. चलो माना नहीं आते, आ भी नहीं सकते सारे synonyms. Hypothetical का क्या मतलब होता है? Hypothetical होता है जो imagine किया जाए, which is not true but you are imagining. अब इसको, इस word को समझने के लिए हमें क्या करना है? Suppose हमें word नहीं आता. I take, I presume and I think that this, my students, they don't know this word. Doesn't matter, there's nothing to worry. Don't panic. ये वाला word जो आपको difficult लगा ना, ये कहाँ गया question number 4 में, ये रहा. Hypothesize that. उसने क्या hypothesize किया? अब हमें hypothesis का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, हम causes पे चले जाएंगे कि उसकी research क्या कह रही थी, research team ने क्या कहा. अब जब हम उसके पास जाएंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा. हमने किसका आंसर ढूंढना है? हाइपोथेसिस पे नहीं हमने जोर लगाना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमने कॉसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है. दैट इज रिसर्च, नेम ऑफ द रिसर्च. ये देखो ये कहाँ पे है, ये वर्ड ढूंढो जरा इसको, कहाँ पे है ढूंढो. जस्ट स्क्रॉल योर व्हाट यू से स्क्रीन्स एंड लेट मी नो वेयर इट इज. ये देखो, इट इज हियर, इट इज वेरी मच हियर. द रिसर्चर्स, ये देखो इट्स वेरी मच हियर. द रिसर्चर्स फाउंड, रिसर्चर हमें कहां से मिला? कॉसेस से. फाउंड दैट बाथ शॉवर्स डिश वॉशिंग मशीन्स कैन बी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंडोर पॉल्यूशन. दिस इज आंसर ऑफ 4. एंड हाउ डिड वी फाइंड द वर्ड? थ्रू रिसर्चर्स, रिसर्चर्स से हमें पता चला. और डॉक्टर कॉर्सी से हमें अंदाजा हुआ उसकी रिसर्च क्या थी. अब ये चीजें जो होती हैं ना, दिस इज नॉट यू नो डायरेक्टली लिंकिंग एंड लोकेटिंग, दिस इज बाय गेटिंग अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू द रीडिंग. नाउ यू विल बी आस्किंग मी, मैम सिम्टोमेटिक तो बहुत मुश्किल है. सिम्टोमेटिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, चलो आई विल गिव अ ब्रेक टू द रीडिंग. आई गिव एन एग्जाम्पल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना आपको क्या हुआ, आपको बुखार है, ठंड लग रही है, आर यू हैविंग, यू आर फीलिंग फीवरिश और यू आर स्नीजिंग, यू सर्टन सिम्टम्स. वेन यू टेल द सिम्टम्स, देन द डॉक्टर गिव्स यू अनालिसिस, अ ट्रीटमेंट एंड अ प्रिस्क्रिप्शन कि आपको मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है. आप बोलो कि बहुत शिवरिंग हुई, वो कहेगा टेस्ट करा लो, मुझे लगता है मलेरिया है, लगता है. अब किसी डॉक्टर के पास आप जाके बैठो और डॉक्टर को बोलो डॉक्टर साहब ढूंढो मुझे क्या हुआ है, तो वो तो नहीं ढूंढ सकता ना. ऐसे रीडिंग्स में है, रीडिंग में आपको आंसर एकदम आंख के सामने नहीं होता. 20 क्वेश्चंस बिल्कुल सामने होते हैं, 20 क्वेश्चंस ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मिलते हैं आपको. अब आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमने कहां से ढूंढा, हमने ढूंढा रिसर्च से. ये क्लास खत्म होने के बाद रीडिंग आप खुद से करना, फिर देखना कि आपको आंसर मिल रहे हैं. एनालिसिस खुद से करना इसके, एंड यू विल रियलाइज दैट द आंसर्स आर नॉट डिफिकल्ट.
अब आ गया फिफ्थ, ऊपर उसने बात करी उसकी एक्सपेरिमेंट्स की, रिसर्च की। फिफ्थ में वो कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर कॉसिस टीम फाउंड दैट, कि उन्होंने क्या ढूंढा उसकी टीम ने, डॉक्टर की टीम ने क्या ढूंढा। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास कि उन्होंने क्या ढूंढा। पहले आप ढूंढो जरा क्या ढूंढा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेयर द आंसर इज। What has he researched? He has found answer number D. D में उन्होंने क्या देखा है? C. Indoor pollution reveals outdoor pollution. That is what doctor is finding. He is telling you that this is an indoor pollution which is causing a problem to the outdoor pollution. This is we extracted it from the name of Dr. Kossi. This is how the answer was found. Now I'll be telling you the exact location. ये तो मैंने आपको समझा दिया ना, अब इसकी exact location is here. It is see nasty plum toxic material. Dr. Torsi results suggest that exposed pollutants are fine. This is an answer. The temperature of water and the surface is available to transfer. Dishwashers, particularly high temperature against the crockery results in the expected. This is an answer. This is a part of an answer. See, I'll be putting a cursor over here, which makes you easy to find this part. ये part आप ध्यान से पढ़ना। You will realize कि उसकी research क्या थी। और रिसर्च चली कहां से? ये डॉक्टर कॉर्सी से हमने पढ़नी शुरू की। उसका नाम पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया, देखा कि क्या बात कर रहा है, एंड देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। आई होप इट्स क्लियर। नाउ जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर दैट इज 6 रिगार्डिंग द डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन। अब आ गया राइटर बिलीव। पहले राइटर ने क्या किया? आर्ग्यू किया, दूसरे में उसने डिस्कस किया, ओपिनियन दी, सजेशन दी। अब क्या करता है राइटर? बिलीव कर रहा है। बिलीव का मतलब कि वो ऐसा मान रहा है। क्या मान रहा है वो? इंडोर पोल्यूशन, पीपल शुड वरी मोस्ट अबाउट देयर वर्क, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब हम इन चीजों को दिमाग में रख के वापस पीछे जाएंगे एंड वी विल बी कंसिडरिंग दैट व्हाट इज द आई मीन ऑथर्स बिलीव, व्हाट इज इट बिलीविंग। सी दिस इज व्हाट ही इज बिलीविंग। अब बिलीव का सिनोनिम क्या होगा? मानना है ना, कि दिस इज द एम ऑफ द रिसर्च इज नॉट हाउएवर टू एनकरेज। This is what he believes. He is believing. See here, against certain forms of outdoor pollution, when there is much or more cause of concern, indoor rights under the people's nose. This is what is his belief. And the answer is going to be for you. It's going to be this answer. Sorry. Question number 6, the answer goes A. He says there has to be some rational discussion. वो ये मान रहा है, it's believing कि सब कुछ तो ठीक है। It's aiming that research, however, is encouraging to wear mask, bring sensors, debates, pollution. Dr. Corsi जो है थोड़ा सा disproportionate effort is wasted campaigning. And what is he believing? He is believing that there has to be more of the rational discussions. I hope this technique is clear to you. Now I would like to tell you or just pick up the same technique and try to solve question number 7 to 13. They are the similar pattern. They are going to be easy for you. You have understood what is argument, what is belief, what is debate. And the way to find the answer is
See, I have given you the master copy as well. I have made this copy for you, and this will tell you the exact linking and location. Again, before I just assign you 7 to 13 questions, I would like to tell you that your first and the foremost priority is concentrate on the question and the passage both. In सबसे भी important चीज है, एक बार reading के heading के ऊपर जरूर देखा करो, क्योंकि मेरे को तो इससे बहुत prediction मिलती है, idea हो जाता है कि reading है किसके बारे में, and this will really help you. Try to solve question number 7 to 13, and I'll be giving you the locations. I have already given you the locations, and this is all I have solved the reading for you. When I got this reading, कि मुझे था आज मैंने live class में भी कराना है, तो और वैसे class में तो ये regular readings चलती ही हैं हमारी. आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लो भाई reading किसके बारे में है. सिर्फ उसकी MCQ देख के डरना मत. नेक्स्ट रीडिंग में जो आपको कराऊंगी वो हेडिंग्स की कराऊंगी. आई बी शेयरिंग द स्क्रीन विद यू एंड आई बी डूइंग द रीडिंग्स विद यू. और क्लास में तो हम लोग रीडिंग जब करते हैं ना, मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है कि वी डू द रीडिंग्स टुगेदर. एक रीडिंग मैं बच्चों को दे देती हूँ, एक मैं खुद लेती हूँ, एंड वी डू इट टुगेदर, देन वी डिस्कस. बिकॉज आई नीड टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो ऑन दिस रीडिंग पार्ट. कि हम लोग इकट्ठे करते हैं, आई टेल देम द प्रेशर इज ऑन योर माइंड, फिनिश द रीडिंग इन 15 मिनट्स. And believe me, it's done. Now the similar you are going to do, question number 7 to 13, 15 minutes to keh rahi hai, puri reading mein chahiye. 7 to 13 mein you should take not more than 7 to 7 minutes. Kyunki kafi samjha diya maine, and I hope it's clear. In case if you have any other doubts, you are more than welcome. I'll be sharing the screen and solving the readings for you. God bless you. Stay safe.